विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में शुक्रवार को भी जारी रहा, जिसके संबंध में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर व मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद के 9 विधानसभा में लगाए गए पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी की ट्रेनिंग 27 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 2 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा, ट्रेनिंग में मतदान की रवानगी के दिन से लेकर मतदान के दिन तक व वापसी तक की सभी जानकारी दी जा रही है तथा मशीन के साथ क्या पेपर जमा करना होता है यह भी मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक व पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति, पहला निर्वाचक, दूसरा शिशु मतदान अधिकारी, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडिया कर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर, ऐसे निर्वाचक जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी, पोस्टल बैलेट के संबंध में नवीनतम निर्देश, इस उप निर्वाचक के लिए अनुपस्थित वोटर्स की 3 नई कैटेगरी बनाई गई है, किया जा चुका है। COVID-19 से प्रभावित अथवा संदेहास्पद उप तीनों वर्गों के निर्वाचकों के निर्वाचक नामों की भी दर्ज करने का अर्थ होगा, उनको पोस्टल बैलेट इशू किया जा चुका है। अतः ऐसे निर्वाचक को प्राक्सी द्वारा मतदान कुछ सेवा मतदाता प्राक्सी मतदाता नियुक्त कर सकते हैं, उन्हें CSP निर्वाचन प्रक्रिया के समय किसी निर्वाचक की आयु को लेकर आपसी हस्ताक्षर नहीं कहेंगे, ये जो हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतदान के संबंध संबंधित कर दिया जाएगा। मत की गोपनीयता स्थान करना अथवा मत देने से मना करना, यदि मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता स्थान की जाती है तो उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है। इस्तेमाल हुआ इस नंबर का 1, पहुंच गए इस नंबर से इस नंबर तक कुल 3, मान लीजिए 2 इस्तेमाल हुआ है, इस तरह से काम। और फिर उसके बगल में जथा निर्दिष्ट स्थान पर उसी फॉर्मेट में जो अभिकर्ता का सिग्नेचर, पार्ट 1 तैयार हो गया। और ये पार्ट 1 ही आपको तैयार करना होता है, पार्ट 2 काउंटिंग के दिन काउंटिंग की टीम तैयार करती है, उसी क्या कैलकुलेशन करना है वो टीम करेगी, उस आपका काम है कैलकुलेशन का। तो ये 17C है और बाकी आगे आपको ये सब लोग देखिए, सबको एक प्रारूप 12 मिला होगा, अभी कोई बांट गया अभी आ जाएगा। ये क्या है, आवेदन है, जैसे कोई आप सब लोग वोटर हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे वोटर इस, तो मान लीजिए अदर देन गोरखपुर जिले के हैं या गोरखपुर में अदर विधानसभा के हैं, आप जहां वोट कराने गए उस विधानसभा के आप नहीं हैं। अगर उस विधानसभा के हैं जिसमें आपकी ड्यूटी है तो आपको 12B PDC जाके और उसका आवेदन 12A में किया जाता है, आपको 12 मिल रहा है, तो ये उस विधानसभा के अलावा किसी और विधानसभा के आप निर्वाचक, तो आप इसमें आवेदन करेंगे, इसमें भरेंगे, उस विधानसभा के रिटर्निंग अफसर को भर रहे हैं जिस विधानसभा में आप वोटर हैं, और उसी विधानसभा की वोटर लिस्ट में जिसमें आपका नाम है उसका डिटेल देना होता है, और फिर ये भर के दे देते हैं, तो यहाँ के साहब लोग इसको भेज देते हैं उस विधानसभा के आरओ को, वो साहब वहाँ से 13A, 13B, 13C और 13D 4 फॉर्मेट पूरे वो सब एक लिफाफे में करके आप इसमें जो पता अपना दिए रहेंगे घर का उस पते पर आपको पूरा लिफाफा आ जाएगा। तो उसमें से 13 जो डी आता है उसमें जनरल आपको इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि आपको इसमें जो जो सामग्री रखना रखा गया उसका करना क्या है। तो उसमें 13A है, वो एक डिक्लेरेशन फार्म है जो आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने देना होता है, तो डराने जैसा क्या कर रहा है, माइनिंग मजिस्ट्रेट हमसे डर लग रहा है क्या आपको, साइन कर देंगे और मजिस्ट्रेट साहब फिर अपना साइन कर देंगे। उसके बाद 13B एक लिफाफा है और वही के अंदर बैलेट पेपर आपका रखा है, तो 13B को बैलेट पेपर निकालिए। मैं मनोज कुमार गुप्ता, DLMT जनपद गोरखपुर।
असिस्टेंट इंजीनियर PWD गोरखपुर। कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या क्या जानकारी दी जा रही है? विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर की विभिन्न 9 विधानसभा में लगाए गए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम की ट्रेनिंग दिनांक 27 जनवरी 2022 से अनवरत स्टार्ट कर दी गई है और यह 2 फरवरी 2022 तक चलेगी। इसमें उन मतदान से रिलेटेड रवानगी के दिन से लेकर के मतदान के दिन तक कैसे क्या करना कराना है और उसके बाद वापसी तक सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनको दिया जा रहा है। वो सारा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि के बारे में समझाया जा रहा है, वहाँ पर कैसे कुल मशीन के साथ क्या दस्तावेज जमा करना होता है, सांविधिक गैर सांविधिक, तीसरा पैकेट चौथा पैकेट किस रूप में इनको ले जा करके RO टेबल पर क्लासिफाइड वे में देना होता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे मास्टर ट्रेनर साहबान द्वारा विभिन्न यहाँ पर 1 से 26 कमरों में प्रतिदिन 2 पाली में दिया जा रहा है।